राजस्थान में इस बार बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। राजस्थान में इस बार 6 छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी चुनाव मैदान में हैं। छोटी पार्टियां और बागी, ये सभी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। राजस्थान की 200 सीटों के लिए कल यानी कि 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि राज्य में उनकी सरकार आ रही है। नतीजे कुछ भी हों, लेकिन इस बार भी चुनाव में राजनीतिक दलों ने दागी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। राजस्थान की 200 सीटों पर कुल 1875 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 916 प्रत्याशी 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़े लिखे हैं। 651 प्रत्याशी करोड़पति हैं, तो वहीं 326 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल 1875 उम्मीदवारों में 10% महिला उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही हैं। राजस्थान की 200 सीटों के लिए इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा दागियों को टिकट दिया है। भाजपा के 200 में से 61 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 199 में से 47 उम्मीदवार दागी हैं। तो वहीं बसपा के 185 में से 8 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 86 में से 15 उम्मीदवारों पर केस चल रहा है। इन सबसे इतर राजस्थान में इस बार भी वीआईपी सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस से दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। सरदारपुर विधानसभा सीट से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से महेंद्र सिंह राठौर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी से अजय सिंह मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विद्याधर नगर सीट से बीजेपी सांसद दिया कुमारी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल उनको चुनौती देंगे। विद्याधर नगर सीट काफी चर्चा में है, क्योंकि दिया कुमारी का चुनाव लड़ना राजस्थान बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत दे रहा है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए। तो वहीं अगली हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ है, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से सुभाष महरिया उनको टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा तारानगर सीट से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस ने उनके खिलाफ रामलाल चौहान को प्रत्याशी बनाया है। इस बार बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके खिलाफ अभिषेक चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जयपुर की एक और हॉट सीट है सिविल लाइंस, जहां से गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी से डॉक्टर गोपाल शर्मा उनको टक्कर दे रहे हैं। अगर 2018 के वोटों पर नजर डाली जाए, तो राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 39.3%, बीजेपी को 38.8%, बसपा को 4%, आरएलपी को 2.4%, तो वहीं अन्य के खाते में 14.2% वोट गए थे। बहरहाल कल राजस्थान की 200 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल जनता के फैसले का दिन है। देखना ये होगा कि इस बार राजस्थान में सरकार ना रिपीट करने की जो परंपरा बनी हुई है वो बरकरार रहती है या फिर गहलोत की जादूगरी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।